राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपको एक नई जगह पे लेके जा रही हूँ। रीलू फोर्ट है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी पहले ये चंबा रियासत के अंतर्गत आता था, तो इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं है। जो लोकल लोग हैं वही जानते हैं, मैक्सिमम लोग जानते नहीं है। तो ये जो रीलू तालुका है वो अपनी उपजाऊ भूमि के कारण जो है शुरू से ही पड़ोसी रियासतों के बीच विवाद का विषय रहा है। जैसे कि मैंने इन लोकल लोगों से बात करी तो उन्होंने तो इस किले के बारे में ये बताया कि ये मुस्लिम शासकों का है, लेकिन यहाँ पे कोई भी जो है मुस्लिम शासकों का इतिहास नहीं मिलता है। तो क्यों ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है कोई मुस्लिम शासक रहा है, तो इसके लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। जो रीलू तालुका है, सर्वप्रथम इसका इतिहास चंबा के राजा जो थे प्रताप सिंह, उनके शासनकाल में मिलता है। उनका जो काल था 1559 में था, उस समय अकबर का भी टाइम था। तो अकबर के जो वित्त मंत्री थे टोडरमल, उन्होंने जो है चंबा रियासत से रीलू को हथिया लिया था और अपने जो है शाही जागीर में मिला लिया था। तो लगभग जो है 200 साल तक रीलू मुगलों के अधीन रहा। उसी दौरान कांगड़ा के जो जागीरदार बनाए गए थे बीरबल, तो वो भी यहाँ पे इस रीलू तालुके में थोड़े समय तक रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए, ये किला है, अभी आगे से दिखाऊंगी। तो पहले मैं इसकी हिस्ट्री जो इसके बैक में चलते हैं। तो यहाँ पे जो मिर्जा परिवार आया था, तो वो कहाँ से आया था? वो जम्मू कश्मीर से आया था। वो कैसे आया था यहाँ पे, उसके बारे में आपको बताती हूँ मैं पहले। तो अकबर का जो शासन था वो 1556 से लेकर 1605 तक रहा है। तब तक तो यहाँ कोई मुगलों का इतिहास नहीं मिलता है, कोई साक्ष्य नहीं है इसका। लेकिन ये जो परिवार आया, मिर्जा परिवार, ये वहाँ से जम्मू कश्मीर से यहाँ कैसे आया, इसके लिए हमें इतिहास के थोड़े और पन्ने खुरीदने पड़ेंगे। 1809 में जब सिख शासक थे महाराजा रंजीत सिंह, उनकी संधि हुई थी कांगड़ा के राजा जो थे संसार चंद, उनके साथ उन्होंने तय किया था कि 66 गाँव दिए थे और एक में अपना किला दे दिया था कांगड़ा का जो महाराजा रंजीत सिंह को। तो महाराजा रंजीत सिंह ने अपने सूबेदार को यहाँ पे जो जस्सा सिंह मजीठिया को नियुक्त किया था कांगड़ा में। तो उन्होंने जब रीलू के ये फोर्ट को देखा तो इस पे घेराव बनाने की कोशिश करी, और तो जो चंबा की रानी थी उन्होंने जो है लड़ने के लिए मना कर दिया। और तब ये जो है उन्होंने जो जस्सा सिंह मजीठिया थे उनके हाथ में आ गया। तो ये इस प्रकार जो है 1821 तक जो है रीलू चंबा रियासत के अधीन था। फिर उसके बाद 1821 के बाद रीलू जो है सिखों के अधिकार में आ गया। तो ये जो समय था सिख साम्राज्य का, एक स्वर्णिम काल था। इसी कड़ी में सन 1821 में सिख सेना के गुलाब सिंह ने रजौरी रियासत के शासक अगर उल्लाह खान को हरा कर सिख साम्राज्य में मिला लिया। और मिर्जा परिवार, वो मिर्जा परिवार था अगर उल्लाह खान का, तो मिर्जा परिवार को रजौरी की कुछ जागीर का हिस्सा दे दिया। तो 1846 में जम्मू और कश्मीर रियासत के शासक बनने के बाद महाराजा गुलाब सिंह ने सबसे पहले ये काम किया, जो रजौरी के अंतिम शासक थे रहीम उल्ला खान, उनको जो है उनकी हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और गोविंदगढ़ जेल में भेज दिया। और उनके जो बेटे थे, उनको जो है रहीम उल्ला खान के बेटे थे, उनको वहाँ से रजौरी से निर्वासित करके जो है रीलू की जागीर प्रदान कर दी और रीलू किले में भेज दिया। और इस तरह जो है अगले 100 सालों तक मिर्जा परिवार जो है रीलू परगने में रहा। तो ये आप किला देख सकते हैं, ये कैसा है। ये पहले बिल्कुल अच्छा था, इसके ऊपर छत भी हुआ करती थी। और इसमें जो है इनकी दादी बताते हैं इनको कि यहाँ पे 50 कमरे हुआ करते थे। तो अभी तो जैसे 1905 में जो भूकंप आया था उसमें ये टूट गए हैं सारे, बहुत मैक्सिमम इसको क्षति पहुँच गई है। ये देखिए किला है इसका। तो इन्होंने बताया, एक और बात बताई दिलचस्प बात, कि इस किले को देखने के लिए पाकिस्तान से 10-15 लड़के आए थे। तो वो बता रहे थे, उनको इन भैया से मिले थे, तब ये बहुत छोटे थे। तो उन्होंने बताया था इनको कि ये किला जो है, इस किले में उनके जो है पूर्वज रहे हैं, तो उनके वंशज आए थे यहाँ देखने इस किले को। तो जब 1947 में जब हमारा जो पार्टीशन हुआ है उसमें इस किले में जो लोग रहते थे मिर्जा परिवार, उनको जो है पाकिस्तान भेज दिया गया था। तो ये देखिए किला किस तरह से बना हुआ है ये।
तो अब ये सवाल उठता है कि यहाँ पे सिख साम्राज्य भी रहा है और सिख साम्राज्य का आधिपत्य भी रहा है और राजौरी से जो है मिर्जा परिवार भी रहा है आके, तो ये बनाया किसने है, क्योंकि उन लोगों ने तो ये बनाया नहीं है। तो ये किला जो है, क्योंकि यहाँ पे पहले चंबा रियासत का जो है ये जगह आती थी, चंबा रियासत के अंतर्गत आती थी ये रीलू स्थान, तो चंबा रियासत के राजा जो थे, राजा राज सिंह थे उस समय उनके जो समकालीन थे संसार चंद थे, कांगड़ा के राजा जो संसार चंद थे उनकी इस जगह पे पहले से नजर थी, क्योंकि ये उपजाऊ भूमि थी यहाँ की और युद्ध नीति के तौर से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो इस जगह का जो है उन्होंने उनको इस चीज़ की खबर लग चुकी थी राजा राज सिंह को कि यहाँ पे संसार चंद की नज़र है, तो वो यहाँ पे आके इन्होंने एक किला बना दिया अपने जो है अपनी जगह पे नज़र रखने के लिए। तो ये देखिए काल कोठरी बनाई हुई है यहाँ पे, इस काल कोठरी में जो है कैदियों को रखा जाता था, जिनको सजा दी जाती थी तो वो घुट घुट के अपने आप ही मर जाते थे। किस तरह की काल कोठरी है देखिए, ये देख लीजिए आप, ऐसी काल कोठरी है। और सबसे देखो ना कि पुरानी जो मतलब है उन्होंने तकनीक बनाई कैसे और लेंटर कैसे, नहीं सर ये इस पे पत्थरों के और चूने के साथ साथ ही चूना जो होता है। और ये कैसे बनाई हुई है, इसकी तकनीक देखिए आप, इसमें कोई सीमेंट नहीं लगा है, कोई सरिया नहीं लगा हुआ है और इस तरीके से बनाई हुई है, ये बिल्कुल मतलब हैरान करने वाली बात है। ये तो ये देख लीजिए इस किले की इस वक्त क्या हालत है, वर्तमान में इस किले की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। और इस ये क्योंकि ये हमारे देश की एक ऐतिहासिक धरोहर है तो इसको संरक्षण प्रदान करना चाहिए सरकार को। तो ये किले की जो दीवारें हैं बहुत ही टूटी फूटी हो चुकी हैं, लेकिन अब जो है लोग इसमें यहाँ पे जो है इस खंडर जगह पे आके सिर्फ शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, बस यही काम करते हैं। तो इसके लिए तो सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। थोड़ा अभी और दिखाती हूँ आपको ऊपर चल के, ये देखिए चलते हैं ऊपर। ये मैं ऊपर देखूंगा, ये तो मेरे सामने ये देखो ये सीढ़ियां तो बनाई है ना, ये मेरे ख्याल ऐसे करके गई है। हाँ ऊपर के लिए घूम तो ये देखिए नरेटी हार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो चंबा के राजा थे राजा राज सिंह और संसार चंद जो कांगड़ा के राजा थे उनके बीच में युद्ध हुआ था, तो जिसका नाम है नरेटी युद्ध। तो इसमें जो है चंबा के राजा जो राज सिंह है वो शहीद हो गए थे। तो ये देखिए वो नरेटी हार है, सबसे बड़ा हार है ये। तो ये किले की बाहर की साइड की दीवार है, ये देखिए ये किले की बाहर की साइड की दीवार है, आप देख सकते हैं। तो इसकी इसमें अभी घास इतनी ज़्यादा हो गई है, पहले ये भैया बता रहे ठीक था लेकिन अभी बहुत ही ख़राब हो गई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।